वोटिंग जारी है और हमारे साथ जुड़ चुके हैं बूटा सिंह विरोधी जी, जिनके साथ हम बात करेंगे यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से। बूटा सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत आ रहे न्यूज पे आपका। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत स्वागत। सर, पंजाब में चुनाव जारी है, बहुकोणीय मुकाबला हो चुका है, सभी पार्टियां पूरे दमखम के साथ इस बार प्रचार करती हुई नजर आई, तो क्या लगता है कांग्रेस के लिए साख बचाना मुश्किल हो सकता है क्या इस बार? मैम देखो, इस बार पंजाब में काफी पार्टियां, तकरीबन सात कोना मुकाबला है, सभी पार्टियों ने अपना पूरा जोर लगाया है, पर आज बहुत शांति पूर्वक लोगों में काफी उत्साह है और वोट हो रही है, पोलिंग हो रही है। अभी वोट शुरू हुए तकरीबन 3-3.5 घंटे हुए हैं, तो मेरे को लगता है दोपहर के बाद काफी उत्साह है लोगों में, अभी तो यही कह सकते हैं। पर बूटा सिंह बैरागी जी, जिस तरीके से इस बार पंजाब के प्रचार के दौरान कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो चूक हुई है, वो भैया वाली बात को लेकर, क्या लगता है उसकी वजह से कहीं ना कहीं चुनाव पर अब असर पड़ सकता है? नहीं मैम, इस पे कोई, इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। जो भैया वाला कॉन्सेप्ट था वो तो सिर्फ आम आदमी पार्टी के कंटेस्ट में ही चन्नी जी द्वारा बोला गया था, उन्होंने बाद में क्लैरिफिकेशन भी दी है, प्रियंका ने भी क्लैरिफिकेशन दी है। हमारा जो भी पूर्वांचल के जो भी दूसरी स्टेट के लोग पंजाब में, उनके पंजाब की तरक्की में बहुत ज्यादा योगदान है, उस बात का पंजाब के इस चुनाव में कोई भी फर्क पड़ने वाला और प्रभाव पड़ने वाला। पर बूटा सिंह जी, विकास कार्यों को लेकर भी इस बार तमाम सवाल और आरोप लगाए जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि पंजाब में इस बार विकास को लेकर रफ्तार काफी धीमी नजर आई, और जब सत्ता में आपकी पार्टी थी तब वो विकास कार्य नहीं किए गए, तो इस बार क्या कुछ नया देखने को मिल सकता है जनता को? बिल्कुल आपकी बात सही है, पहले भी कांग्रेस पार्टी सत्ता में भी थी, पर हमारे से चूक ये हुई थी, कैप्टन अमरिंदर सिंह 78 MLA तो कांग्रेस के थे, पर कैप्टन अमरिंदर सिंह जो मुख्यमंत्री थे वो बीजेपी के हाथों में खेल रहे थे, उनकी कुछ पर्सनल मजबूरियां रही होंगी। हाँ, जो चरणजीत सिंह चन्नी की बाद में 111 दिनों की सरकार है, उसमें बहुत तमाम काम हुए हैं, जिसमें बिजली के रेट कम हुए हैं, किसानों के लिए डीजल के रेट कम हुए हैं। और जो पर्सनल जो आप बात कर रहे हैं यहाँ पर अमरिंदर सिंह को लेकर, काफी समय से वो पार्टी से जुड़े हुए थे और काफी प्रमुख और बड़े नेता जो है कांग्रेस पार्टी से उस दौरान पार्टी छोड़ करके गए थे, और उसी में एक नाम शामिल था अमरिंदर सिंह जी का भी, और वो कई बार आलाकमान से बात करने भी पहुंचे थे, लेकिन क्या वजह रही कि कांग्रेस पार्टी उन्हें मना नहीं पाई और वो किसी और खेमे में जा गिरे? नहीं नहीं नहीं, बनाने वाली कांग्रेस पार्टी ने तो निकाला है, क्योंकि आप अच्छी तरह से जानते हो भी CBI और ED दो ऐसी एजेंसियां हैं जो केंद्र के हाथ में, और कैप्टन अमरिंदर सिंह के पीछे लगी हुई थी। कैप्टन अमरिंदर सिंह तो बीजेपी की बोली बोल रहा था, 4.5 साल उसने कुछ नहीं किया, जो तो बाद में चरणजीत सिंह चन्नी की जो सरकार आई उसने काफी काम किए। और बड़ी बात ये है, लोगों में काफी उत्साह है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने जो 2 दिन पहले अपना मैनिफेस्टो इश्यू किया है, उसमें उसमें जो MSP देने की बात की है, स्टेट MSP देगा, दालों पे देगा, अपने सूरजमुखी पे देगा, सारी जो पल्सेज है उस पे देगा, तो लोगों में काफी कांग्रेस के प्रति काफी उत्साह है और पूरी उम्मीद है भी कांग्रेस द्वारा फिर सत्ता में आएगी। तो बूटा सिंह जी, पानी के स्तर को लेकर भी यहाँ पर चर्चा की जा रही, कई आरोप जो हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ लग रहे हैं, और रोजगार को लेकर एक अहम मुद्दा बनाया गया, तो लिटरेसी को लेकर अगर बात की जाए तो साक्षरता को लेकर भी यहाँ पर अहम मुद्दा है, तो कांग्रेस कहाँ चूक गई कि इतने बड़े बड़े मुद्दे यहाँ पर सामने आ रहे हैं, जबकि काफी समय से सत्ता में आपकी पार्टी वहां पर काबिज है? मैम बिल्कुल, मैंने जैसे पहले भी क्लैरिफाई किया है, अभी कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कुछ काम नहीं किया, पर जो हाँ मैनिफेस्टो आया, अब 1 साल में 1 लाख जो पहली कैबिनेट होगी, पहली में ये डिसीजन होगा, 1 साल में 1 लाख नौकरी दी जाएगी और 5 साल में 5 लाख नौकरी दी जाएगी। और हाँ, जहां तक आपने लिटरेसी की बात की है, पंजाब थोड़ा पीछे आया है, पर अभी काफी सुधार हुए हैं लिटरेसी में, जो पीछे रिपोर्टिंग हुई थी उसमें पंजाब के स्कूलों का 1 नंबर आया है, काफी अच्छे अभियान हो रहा है सब कुछ। पर जैसे कि आप बार बार अमरिंदर सिंह पर टारगेट कर रहे हैं, अगर इतनी ही खामियां थीं तो कांग्रेस पार्टी के जो आलाकमान है उन्हें उन्हें हटाने में इतना समय क्यों लग गया? चुनाव से ठीक पहले ही उन्हें क्यों हटाना पड़ा पार्टी से? मैम जब पता लगा, रिपोर्टिंग हुई है उसकी भी, वाकई ये बीजेपी के हाथों में खेल रहा है, तो तभी निकाला था। पहले तो कांग्रेस ने तो विश्वास करके उसको मुख्यमंत्री बनाया था कांग्रेस, या वजह कुछ और थी जो आप बताना नहीं चाह रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू और अमरिंदर सिंह के बीच भी काफी खटास की खबरें जो हैं सामने रही हैं, सुर्खियों में रहे दोनों नेता और आपस में बयानबाजी भी इनकी काफी तीखी देखने को मिली है। खटास की वजह ही मैम ये थी कि कैप्टन अमरिंदर सिंह बीजेपी के हाथों में खेल रहा था, पंजाब के हित में कोई काम नहीं कर रहा था, खटास की वजह ये थी, और नवजोत सिंह सिद्धू का कोई पर्सनल तो इसमें ही नहीं,
नवजोत सिंह सिद्धू ने तो करतारपुर साहब का लांघा खुलवाया है, नवजोत सिंह सिद्धू ने तो पंजाब मॉडल दिया है, उसमें लोगों की बेहतरी के लिए बुलाया है। पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह को भी बोलते थे भी आप ये काम करो, कैबिनेट बोलती थी, पर कैप्टन अमरिंदर सिंह तो किसी को मिलना भी जायज नहीं समझते थे। साढ़े चार सालों तो किसी एमएलए को भी नहीं मिलते थे, क्योंकि वो प्योरली प्लेन इन द हैंड ऑफ बीजेपी। पर फिर भी जो कांग्रेस पार्टी में असमंजस की स्थिति और जो इम्बैलेंस रहा है वो भी जनता के सामने रहा, क्योंकि जैसे शपथ ग्रहण समारोह हुआ था चुन्नी साहब का, तो उसके बाद भी कई जो मंत्री थे कैबिनेट छोड़ चुके थे, क्योंकि अमरिंदर सिंह जबकि पार्टी से गए थे, खुद सिद्धू भी उनमें से एक थे कि जिन्होंने कदम उठाए। ये तो सीएम साहब का ही प्रेरोगेटिव होता है भी किसको वो अपनी कैबिनेट में रखना चाहता है, किसको कैबिनेट में नहीं रखना चाहता, वो तो कोई बड़ी बात नहीं होती, हरेक पार्टी में ही ऐसा होता है, क्योंकि वो प्रेरोगेटिव ही सीएम साहब का होता है। तो मतलब आपको लगता है कि ये मतदाताओं के मन पे कोई बुरा असर नहीं डालेगा या कांग्रेस के खिलाफ कुछ ऐसा? नहीं, कुछ भी बुरा असर नहीं डालेगा, क्योंकि पंजाब में 111 दिनों में सबसे हिंदुस्तान में सबसे सस्ती बिजली पंजाब में है, सबसे डीजल और पेट्रोल का 10 रुपए रेट कम पंजाब में है। पंजाब में अनेक ऐसे काम हुए हैं जिनको लोगों ने अच्छा समझा है और समझ रहे हैं, पूरी उम्मीद है भी कांग्रेस पार्टी को दोबारा फिर आएगी सत्ता में। जी, तो इस बार और क्या कुछ उम्मीद है जो जनता आपसे कर सकती है, क्योंकि इससे पहले तक के कार्यकाल में तो कई ऐसी स्थिति रही है, ऐसी बातें रही है कि जनता नाखुश नजर आई? बिल्कुल मैम, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ भी, एक तो हमारे यहाँ माइनिंग का था और माइनिंग के लिए हम कारपोरेशन बना रहे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू पहले भी तेलंगाना मॉडल लेके आए थे पंजाब में, कैप्टन अमरिंदर सिंह को दिया था भी माइनिंग पे आप कारपोरेशन बनाओ, लिकर पे आप कारपोरेशन लगाओ, जो ट्रांसपोर्ट माफिया है उसको खत्म करो, उसके कारपोरेशन बनाओ, पर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कोई भी काम ये नहीं किया। तो जो मैनिफेस्टो का अपनाओ पार्ट है ये भी, जब ये सत्ता में हम दोबारा आएंगे और माइनिंग पे कारपोरेशन बनेगी, जो सैंड माइनिंग हो रही है, ट्रांसपोर्ट पे कारपोरेशन बनेगी और जो सारा लिकर पे कारपोरेशन बनेगी। चलिए बूटा सिंह बैरागी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। दर्शकों को बता दें कि पंजाब विधानसभा चुनाव में आज मतदान हो रहे हैं, लगातार मतदान कर रहे हैं मतदाता और पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं, और इसी के साथ ही 117 विधानसभा सीटों पर पंजाब की ये चुनाव हो रहा है, जहां पर मतदान सुबह 8 बजे से जारी है और शाम 6 बजे तक ये मतदान जारी रहेंगे। और इसी बीच अब रुख आगे बढ़ाएंगे बाकी बची सीटों की ओर, सुल्तानपुर लोधी सीट की यहां पर बात करेंगे कि पंजाब की सुल्तानपुर लोधी सीट से कौन से प्रत्याशी मैदान में है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से नवतेज सिंह चीमा कांग्रेस पार्टी की तरफ से सुल्तानपुर लोधी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से सज्जन सिंह चीमा चुनावी मैदान में है। कैप्टन हरमिंदर सिंह अकाली दल की तरफ से चुनावी मैदान में है और बीजेपी ने उतारा है इस बार जुगराजपाल सिंह शाही को, जो कि संयुक्त अकाली दल की तरफ से यहां पर चुनाव लड़ेंगे। पंजाब सुल्तानपुर लोधी विधानसभा सीट के प्रत्याशियों की सूची हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर नवतेज सिंह चीमा कांग्रेस पार्टी की तरफ से चुनावी रण में है, सज्जन सिंह चीमा आम आदमी पार्टी की तरफ से हैं, कैप्टन हरमिंदर सिंह अकाली दल की तरफ से चुनावी मैदान में है और जुगराजपाल सिंह शाही संयुक्त अकाली दल और बीजेपी की तरफ से यहां पर मैदान में है। और रुक करेंगे पंजाब की एक और अहम सीट की ओर, यह है कपूरथला सीट। तो कपूरथला सीट से प्रत्याशियों की सूची आपको दिखा दें कि कपूरथला में बीजेपी ने यहां पर प्रत्याशी उतारा है रणजीत सिंह खोजेवाला को। सामने है जहां पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से राणा गुरजीत सिंह को चुनावी मैदान में उतारा गया है। मंजू राणा आम आदमी पार्टी की तरफ से दावेदारी पेश कर रही हैं। देवेंद्र सिंह बसपा और अकाली दल की तरफ से यहां पर दावेदारी पेश कर रहे हैं। बीजेपी की तरफ से यहां पर रणजीत सिंह खोजेवाला को चुनावी मैदान में उतारा गया है। पंजाब की कपूरथला विधानसभा सीट काफी अहम सीट मानी जाती है कपूरथला, और यहां पर द्वंद देखने को मिलेगा इन चार प्रत्याशियों के बीच, जहां पर राणा गुरजीत सिंह कांग्रेस पार्टी की और मंजू राणा